नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ सुनुजा। आपको बता दें, बिहार के भारत में हमारे प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए हमारे दरभंगा जिला के जो प्रदेश के प्रतिभा सिंह हैं और हमारे हायाघाट प्रखंड के चांद, इन्होंने खास करके मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रखी गई है। किस चीज़ को लेकर अभी प्रेस वार्ता रखी गई है ना? आज की प्रेस वार्ता जो हमारे देश जा रहा है उसको देखते हुए बुलाया गया है, और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरह से इसका विरोध करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए एवं उनके कुकृत्य को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, जो आपके माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज जब पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी, जिन्होंने 4500 किलोमीटर का पदयात्रा किया, वहाँ उनको हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक तबके के लोगों से उनकी मुलाकात होती है, उन्होंने अपनी बात कही, और वही बात लेकर जब वो संसद में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो उनकी बातें क्या थी जिसको म्यूट कर दिया गया, उसका आपको कहीं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो संसद में बात रख रहे थे तो पहली बार माइक म्यूट पे रख दिया गया, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो सका। वो बातें थी, 10 सवाल थे उनके, जो अभी फेसबुक पे भी चल रहे हैं। वो 10 सवाल थे कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है आज, जबकि उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। दूसरा सवाल था, जनता के रोजमर्रा के खाने पीने के चीजों पे जीएसटी क्यों? आप देख रहे हैं कि तेल का दाम, जो हम लोग खाते हैं तेल, जिसमें सब्जियां बनती हैं, हर तबके के लोग खाते हैं, कहां से कहां छू गया। पेट्रोल पंप, पेट्रोल और डीजल का दाम कहां से कहां चला गया। तो ये महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है वो क्यों? एटलीस्ट कम से कम खाने पीने की चीजों से तो जीएसटी हटा लें। दूध दही पे जीएसटी लगा रहे हैं, जो हर तबके के लोग खाते हैं, तो इन सब से जीएसटी क्यों लगाया गया है? तीसरी बात कि सिलेंडर का दाम, जो उन्होंने कहा था कि हम अपनी बहनों को, अपनी माताओं को धुएं से रोने नहीं देंगे, तो आज सिलेंडर का दाम इस जगह पे पहुंच चुका है कुछ 1200 रुपये। आप लोगों को पता होगा 1200 रुपये पे एक सिलेंडर मिलता है, जबकि कांग्रेस 400 रुपये में एक सिलेंडर दिया करती थी, और तब आज हमारी बहनें नहीं रो रही हैं, पैसे की मार नहीं लग रहा उनको। आज फिर से वही लकड़ी के पीछे जा रहे हैं सब, क्योंकि सिलेंडर खरीदने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं है। डॉलर का रेट जो जिस तरह से बढ़ रहा है, आज 80 रुपया एक डॉलर का कीमत हो गया है। इसका मतलब है कि हम कर्ज में डूबे जा रहे हैं। आर्मी में जब वो 2 साल से कोई आज तक एक भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, आप उठा के रिकॉर्ड देख सकते हैं, क्योंकि आरटीआई के तहत आप लोग मांग सकते हैं इस रिकॉर्ड को। ये हमारी देन है, हमारी पार्टी की देन है आरटीआई, आप मांग सकते हैं, लेकिन 2 साल में वहां एक भी लोगों की नियुक्ति नहीं होती है। और यहाँ अग्निवीर एडहॉक पे, जिसको हम अपने आम भाषा में ठेका पे कह सकते हैं, ठेका पे लेके लोगों को रखा है, बच्चों को रखा है, क्यों? आप उनको परमानेंट रख सकते थे आर्मी में पूरे टाइम के लिए, जो 18 साल या जो भी टेन्योर उनका होता है उस समय के लिए उनकी ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप ठेके पर उन बच्चों को रखा। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसपैठी कर चुके हैं, घुस चुके हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते वो। हमारी सेनाएं हर सरहद पे मर रही हैं, लेकिन उनके पास उस चीज का कोई जवाब नहीं है कि हम वहां पे क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। आए दिन आपको मिलेगा, कुछ बिहार के भी हमारे सैनिक मारे गए हैं, जो सब नम नाखों से उनकी विदाई, उन शहीदों की विदाई किया गया था, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। फसल बीमा इंश्योरेंस काफी तेजी से बढ़ा, 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ फसल बीमा
कराने पे। क्या हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय दुगुनी हुई? ये उनका प्रॉमिस था, किसका? मोदी जी का, कि 2 सालों में उनकी आय दुगुनी होगी। किधर दुगुनी हुई? आप सब, हम जिस जगह से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देहाती इलाका है यह, बहरी और हाया घाट के बीच का इलाका है, जहां चारों ओर देखिएगा तो किसान ही किसान है। क्या आय दुगुनी हुई? नहीं हुई। किसान को सही MSP देना था, मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन वही कांग्रेस शासित राज्य में उनको सबसे ज्यादा मूल्य दिया जा रहा है, लेकिन जहां भाजपा ही है वहां पे वो मूल्य नहीं दिया जाता। और इसके बाद रेल टिकट जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमेशा से ये किया गया था, कॉन्सेशन दिया गया था, 50% उस पर कॉन्सेशन हुआ करता था। अब वो आपने क्यों हटा ली? आप उसको, उनको क्यों? वरिष्ठ नागरिक जब हम 60 साल के होते हैं उसके बाद वरिष्ठ के कैटेगरी में जाते हैं, और महिलाएं 58 की होती हैं तब उस कैटेगरी में जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस कैटेगरी से उनका नाम हटा दिया, उसका कॉन्सेशन हटा दिया 50% जो था, जबकि उस एज में उनके पास कमाने का कोई रास्ता नहीं होता, कोई साधन नहीं होता, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं। अगर जो कमाते भी हैं वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं। तो आपने ऐसा कर दिया। और सबसे अहम बात है कि केंद्र सरकार 2014 में 56 लाख करोड़ कर्ज था केंद्र सरकार के ऊपर। फिर से हम रिपीट करते हैं वो आंकड़ा, 56 लाख करोड़। और आज 2023 में लगभग 156 लाख करोड़ हो गया वो। इतनी कर्ज क्यों ली गई? विदेशों से इतनी कर्ज क्यों ली गई? ये बात तब हम सबके जहन में आई जब श्रीलंका में विपत्ति आई। जब श्रीलंका में विपत्ति आई तो भाई हम लोग भी अपने आप को ढूंढना शुरू किया कि हम लोग किस जगह पे हैं। तो वहां से निकल के आया कि प्रधानमंत्री ने इतना लाख करोड़, जो पहले 2014 से अभी तक आप काउंट कर लीजिए, उसमें रेशियो कहा 56 लाख से 156 लाख करोड़ हो गया, तो इतना ज्यादा कर्ज क्यों लिया गया? और सबसे और एक अहम मुद्दा है हमारे अडानी जी का, जिनका फ्लाइट यूज करते हैं मोदी जी, लेकिन अपना रिश्ता नहीं बताते उनसे क्या है। उनके साथ वो अमेरिका जाते हैं, वहां उनका डील क्रैक करवाते हैं, लेकिन क्या रिश्ता है वो नहीं बताते। उनके साथ SBI के चेयरपर्सन जाते हैं डील क्रैक करने के लिए, पर अडानी से उनका क्या रिश्ता है वो नहीं बताते। और एक सवाल, प्रश्न पूछा पार्लियामेंट में कि हम आपके हैं कौन, अडानी जी हैं आपके कौन, तो उस पे आपको पानी पीने की जरूरत पड़ गई। आप उस दौरान देखिएगा कि कितने सारे पानी ग्लास जो है सो सिप करना पड़ गया, क्योंकि सच कड़वा होता है, वो हर पार्टी के लिए कड़वा होता है। जो उनके लिए कड़वा था, जो जवाब उनके पास नहीं था, ये कारण था कि आनंद फानन में एक कोर्ट में जो पिछले साल, एक साल पहले एक केस दर्ज किया गया था मोदी वोट पे, सरनेम वोट पे, ये बहुत अहम मुद्दा है सरनेम को लेके, कि मोदी सारे मोदी ही चोर क्यों हैं, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट था। भगोड़े ही तो हैं जो देश छोड़ के भाग चुके हैं, गबन करके भाग चुके हैं, पब्लिक का पैसा लेके भाग चुके हैं। तो वो उस चीज को अगर उन्होंने कहा कि और भी ढूंढने पे एक दो मोदी मिल जाएंगे, तो इसमें उनकी बेइज्जती कहां हो गई? ये किसी जाति पर कहां प्रहार किया गया? कोई राजस्थान का मारवाड़ी है तो कोई गुजराती है? कोई एक जगह का तो नहीं था कि सबके सब गुजराती थे और एक ही खेमे के थे, ऐसा कहीं नहीं था। ये भी इस बात को लेकर जब एक साल पहले केस हुआ था तो वो केस को विड्रो मैंने स्टे कर दिया गया था। जिसने केस किया वो जाकर केस को स्टे करवाता है खुद जाकर कि अभी हम इस केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वही एक साल के बाद जब राहुल जी असेंबली में, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाते हैं कि अडानी जी कौन है,
20,000 करोड़ रुपया उनकी कंपनी में कहां से आया? इस सवाल के उठते ही और इन 10 सवाल के उठते ही वो इतने बौखला गए कि तुरंत उस केस की सुनवाई आई थिंक विद इन अ मंथ सब कुछ हो गया, ट्रायल ले लिया गया, सब कुछ हो गया और एक सुना दिया गया कि आपको 2 साल की सजा आपको मिलती है। और 2 साल की सजा मिलती है ये सुनते ही सदस्यता इनकी समाप्त कर दी। सदस्यता ऐसे नहीं समाप्त की जाती। और खासकर आप अगर जितने भी फेसबुक पे देखेंगे लॉयर के बयान हैं, कुछ पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके बयान हैं, जो कहा गया कि ये जो भी जजमेंट था या कुछ भी था वो दुर्भावना से ग्रसित था। वो विपक्ष को स्ट्रांग नहीं होने देना चाहते हैं, एक हिटलर शाही के माहौल में जीना चाहते हैं कि पूरा देश हिटलर शाही हमारी ही बात सुने। ऐसा नहीं होगा। जो जनता आज तक चुप थी वही जनता इन सारे मुद्दों को लेकर आवाज उठाएगी और हम जन जन तक जाएंगे, हर एक आदमी के साथ उनको झिझोरेंगे और उनका आईना, देश का आईना दिखाएंगे कि ये है क्या। उनके आंसू पर मत जाइए, वो मर्द होकर के हर मीटिंग में रोना शुरू करते हैं। पब्लिक मीटिंग में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिसमें वो रोए नहीं। और वो किस चीज की बात करते हैं, जब आपने राहुल जी की माँ को, सोनिया जी को आपने कहा जर्सी गाय, क्या ये सही था एक औरत के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए? आपने कहा कांग्रेसी की विधवा, क्या ये उचित शब्द थे उनको कहने के लिए? और ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द बोलने के लिए? आप प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये क्यों नहीं समझते हैं आप? आपको पूरा देश ही नहीं, पूरा विदेश भी देखता है, पूरा वर्ल्ड देखता है, और इस तरह का अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरे को ही गलत ठहराते हैं। और मानहानि का दावा का एक अलग अपना एक क्लॉज होता है, वो मर्डर नहीं होता, न ही कोई सजायाफ्ता मुजरिम कोई है राहुल जी, ना उन्होंने खून किया, ना पहले किसी चीज में जेल गए। एक मानहानि का केस होता है, उनकी सदस्यता आनंद फानन में समाप्त कर दी जाती है, उनको घर से सरकारी बंगले से आनंद फानन में निकालने की कोशिश की जाती है। यह सब क्या है? उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, हमारे नेता को दबाने का काम किया जा रहा है, जो ये पार्टी के हर एक वर्ग के लोग जो हमारे सदस्य हैं वो सभी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और एकजुटता से सत्याग्रह की धमकी ही नहीं देते हैं। हमारी शुरुआत हो गई है सत्याग्रह की, और भारत का ये वैसा सत्याग्रह है जो गांधी जी के समय में हुआ था, वही सत्याग्रह लगता है कि अब हमको मोदी जी के खिलाफ, ये बीजेपी के खिलाफ करना पड़ेगा। हम लोग करने के लिए तैयार हैं और आगे भी करेंगे जब तक कि हमारी आवाज़ सुनती नहीं है। वो इतना ही नहीं, अब चंद्रचूड़ जी का देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, वो सुप्रीम कोर्ट को अपने जेब में नहीं डाल पाए तो अभी उनके खिलाफ उनके कुछ गुर्गे इंक्वायरी बिठा रहे हैं। ये सारी बातें हमारे देश को किस हद तक लेके जाती है? पुराने समय में जैसे अंग्रेज क्या करते थे, दमन नेचर लेकर के जो आते थे, दमनकारी नेचर था, क्या उसको नहीं हम लोग देख रहे हैं? हम फिर से अंग्रेजों के शासन में जा रहे हैं, जो हमारे ही देश में पैदा लिए हुए हैं। और खुद चीन में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, सॉरी कोरिया में गए, वहाँ उन्होंने कहा कि हम किस देश में पैदा हो गए, मेरा दुर्भाग्य है। अगर आपका दुर्भाग्य है तो क्यों नहीं यहाँ से चले जाते, क्यों नहीं यहाँ से चले जाते? ये देश आपका नहीं है। जब आपको अपने पैदा होने पर शर्म लगता है तो ये देश आपका नहीं है। आप हमारे नेहरू जी पर तंज कसते हैं। नेहरू जी राहुल जी के नाना जी हैं, जिनका नाम विश्वविख्यात है, उनको पहचान की मोहताज नहीं है। पर मैंने तो पूरा गूगल सर्च कर लिया, मुझे आपके नाना जी का नाम नहीं याद आया मोदी जी, कि आपके नाना जी कौन थे कहाँ हैं, वो नाम नहीं आया। कोई ना कोई आपके नाना तो होंगे पर उसका जिक्र कहीं किसी ग्लोबल नहीं है, ना यूट्यूब पे,
ना फेसबुक पे कहीं हमको हमको नहीं नजर लगता कि जहां से हम ये जानकारी हासिल करें कि आपके नाना थे कौन। मुझे तो बहुत प्राउड फील करते हैं हम लोग कि हमारे देश में राहुल जी के नाना जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने अपना हर कुछ दान कर दिया था। वो इनके पैसे के मोहताज नहीं है। और आज राहुल जी अगर बेघर हैं तो हमारे जितने भी कांग्रेसी हैं उनका घर, उनका दिल सब उनके लिए खुला है। वो कमजोर नहीं हुए, वो और मजबूत हुए हैं। उनको डर लगा मोदी जी को कि राहुल गांधी, जो सरनेम है गांधी, उसको बड़ा मजबूती से रखा है। ये वही गांधी का सरनेम है जो हमारे महात्मा गांधी जी का था, और उस गांधी को फिर से वो अपने आत्मा में अंगीभूत किया है। और वो डर गए मोदी जी, जिस तरह से अंग्रेज डरा था वैसे ही बापू से, उसी तरह अब राहुल जी से बीजेपी डर गई, मोदी जी डरे। और आनन फानन में जो जैसा आ रहा है, जो आपके सामने है, आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है। हम आपसे बस इतना दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप हमें सहयोग करें और जनता तक जो हो रहा है वो सच सच जनता के सामने रखें, क्योंकि आपको भी पता है कि गोदी मीडिया ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है। कुछ हमारे जो जितने भी हाई लेवल के मीडिया हैं, जो टीवी, दूरदर्शन वगैरह हैं, उसमें जाके देखिए तो कभी भी राहुल जी का पदयात्रा के बारे में नहीं दिखाया गया। लेकिन सबको मालूम है, यूट्यूबर्स ने बहुत डाले, हम धन्यवाद करते हैं यूट्यूबर्स का कि उन्होंने उनके हर पदयात्रा को दिखाया और बखूबी से दिखाया। जिस तरह के लोगों से मिले, हर तरह के लोगों को उनका उन्होंने बखूबी से एज इट इज, कोई बिना तोड़ मरोड़ के उन्होंने यूट्यूब पे डाला, जो हर लोग, हर आदमी यूट्यूब पे रहता है, देखता है, खोजता है, मिल जाता है। तो ऐसा ही हम आपसे दरखास्त करते हैं कि हमारी आवाज इस जनता की आवाज है, और जनता की आवाज को दबाया न जाए, उसमें आप सब भी सहयोग करें, और जिस तरह से हो सकता है इस आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमारा सत्याग्रह तो शुरू हो चुका है, हम सत्याग्रह पर तो निकल चुके हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है, मैं यहाँ की प्रभारी हूँ, बहरी और हायाघाट की मैं प्रभारी हूँ और PCC मेंबर भी हूँ। जैसा कि आपने बताया, तो अभी जो लगातार जैसे अगर कोई आवाज़ उठाते हैं, ED की छापा या इस तरह CBI का छापा पड़ रहा है, अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये ED जैसे अभी पहले एक गब्बर सिंह का खौफ हुआ करता था, एक मूवी हमने देखा था शोले, बहुत फेमस मूवी थी, कि उसमें एक डायलॉग था कि बच्चे अगर रोते हैं तो माँ कहती है कि सोजा बेटे, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अभी सच बोलने वालों को ED का डर दिखाते हैं, और ED को हाथ में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो परेशानी झेलनी पड़ती है, अगर हमारे घर में भी ED आ जाए तो आस पड़ोस के लोग यही कहेंगे कि कुछ ना कुछ तो इसके घर में है, इसने कुछ ना कुछ तो कांड किया। बरसों बरस लग जाते हैं उसमें अपने को पाक साफ घोषित करते हुए। आपको अगर ख्याल होगा, इसी ED के नाम पे एक बात याद आ गई, हमारी सरकार गिरी थी, मनमोहन जी हमारे प्रधानमंत्री थे, गिरी थी 2G घोटाले पे। हमें बहुत कुछ सुनाया गया था, क्या किसी कोर्ट ने मनमोहन जी को अपराधी घोषित किया? नहीं, क्लीन चिट हो गए। वो बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उतने दिन तक, जब तक कि जजमेंट नहीं आया हुआ था, शक की नजर तो उन पे ही थी। जितने लोगों के नाम 2G घोटाले में गए या 3G जो भी घोटाला था उसमें गया, तो वैसा ही आया। तो ये डर दिखाते हैं, हम सब डरने वाले नहीं हैं। जी, आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के आदेश पर, सभी विधानसभा में हमारे जो विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। इसी संदर्भ में आज हायाघाट विधानसभा का प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रतिभा विहार एकेडमी में हमारे प्रभारी महोदय यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों ने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। इसी संदर्भ में हायाघाट के मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी मौजूद हूँ, और हमारे बहरी के प्रेसिडेंट विवेक जी भी मौजूद हैं। आज का जो यह विषय था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वह यह था कि देश में जो हिटलर शाही की सरकार चल रही है,
आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा था। और जब राहुल गांधी जी ने अडानी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से सवाल किया तो सारी सरकारें हिल गई। सारी सरकार को लगा कि इन्होंने जो बातें कही हैं, चूंकि अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला है, चूंकि उनके पीछे कितना पैसा लगा है इसकी कोई गिनती नहीं है। फर्जी कंपनियां बना बनाकर, सेल्स कंपनियां बना बनाकर, आउट ऑफ कंट्रीज से कंपनियां बना बनाकर उसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को लगा कि राहुल जी की आवाज़ को दबाना चाहिए, और इसके लिए